हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इमेज कैसे फॉर्म होंगे किसके अंदर? लेंसेज। ठीक है, लेंसेज कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है ये पढ़ेंगे पहला टॉपिक। और फिर पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे हम लेंसेज में रे डायग्राम को यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा यही है। ठीक है, ये सारा कवर होगा। और ये फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो ये तीन टॉपिक आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में हम स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं, ये सब हम क्या है पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन बाय रेज बाय स्पेयरिंग लेंसेज। तो रूल्स देखेंगे कि जब हमारी रेज निकल रही है। ठीक है, तो पहला रूल होगा हमारा अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई रे है लाइट की ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो क्या है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे क्या आ रही है पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लाइन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगी, जो ये लाइट रे आ रही है क्या होगी, किससे पास होगी, पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्या होगी ये, किससे पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो दूसरी साइड में क्या है प्रेजेंट है। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अगर हम कॉनकेव लेंस लेंगे, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, जो रे है आपको ये डाइवर्ज दिखाई देगी, फैलती हुई क्या होगी दिखाई देगी इस तरह से। ये ऐसे रे आई है हमारी, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, मतलब ये ऐसे क्या हो रही है फैल रही है उधर को, ऐसे कन्वर्ज नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, इसको आप पीछे को ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो मतलब ये किससे पास हो रही है, आपको ऐसे अपीयर होगा कि ये डाइवर्ज हो रही है कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, अब कहाँ पर लोकेटेड है, सेम साइड में लोकेटेड। एक क्या कॉन्केव लेंस और ये क्या कॉन्वेक्स लेंस। पहला रूल तो ये हो गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से, कॉन्वेक्स लेंस में दूसरी साइड में, और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में फर्स्ट वाले। सेकेंड रूल क्या हुआ, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई रे है हमारी, ये क्या प्रिंसिपल फोकस है, तो ये रे इससे हमारी क्या हो रही होगी, पास होके आ रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये किससे कैसी हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ही हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अ रे ऑफ लाइट अपेयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और दोनों केसेस में क्या होगा कि किससे पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जैसे इसमें दिखा रखा है। ठीक है, ये हमारी क्या आ रही है, रे आ रही है प्रिंसिपल फोकस से पास होके आ रही है, ऐसे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। ऐसे ही सेम केसेस में आ रहा है। ठीक है, ऐसे हो गया आफ्टर रिफ्रैक्शन ही कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और आपको कैसी दिखाई देगी कि किससे पास हो रही थी, फोकस से पास हो रही थी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं थर्ड रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, कोई हमारी रे है क्या हो रही है, पास हो रही है किससे, प्रिंसिपल सेंटर से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, मतलब ये अपनी पोजीशन जैसी है उसी से क्या चली जाएगी। ठीक है, इसके रे में कोई भी डेविएशन नहीं होने का, जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से क्या होगी, वापस जाएगी और आएगी। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, बनेगी। ठीक है, वैन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पहला केस क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। तो जो रे आ रही है किससे आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल फोकस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये क्या होगी, सारी जो रे है ये क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पर। तो जो पॉइंट्स क्या बनेगा, जो इमेज है वो हमारा बनेगा पॉइंट साइज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस F2। तो इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। ठीक है, इमेज इज हाईली डिमिनिश, इमेज क्या होगी, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही स्मॉल साइज की होगी, और पॉइंट साइज। इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी, जैसे अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा है, ठीक है, तो
इमेज कैसी बनेगी, इस तरह की बनेगी, ठीक है। ऐसे बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बियॉन्ड है 2f1 से के बाद क्या है हमारा, क्या है ये ऑब्जेक्ट रखा है। इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ टू एंड 2f2, तो हमारी जो इमेज बनेगी किसके बीच में बनेगी, एफ टू और 2f2 के बीच में। इमेज इज डिमिनिज, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी हमारी, डिमिनिज होगी और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, मतलब स्मॉल साइज की होगी। इस तरह से ये क्या है 2f1 के बियॉन्ड रखी है, ठीक है। तो जब ये आएगी रे हमारी पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, कोई रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे आके देखो ये स्मॉल साइज की बनी है और इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, जब हमारा ऑब्जेक्ट इस पर होगा 2f1 पर होगा, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, तो इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, 2f2 पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा किस पे रखा है 2f1 पर, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी, ठीक है ना। इमेज इज फॉर्म एट 2f2, इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज का साइज होगा बिल्कुल सेम होगा जितना ऑब्जेक्ट का था। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी हमारी, रियल और इन्वर्टेड। केस फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, जब हमारा ऑब्जेक्ट इसके बीच में होगा f1 और 2f1 के बीच में होगा, तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f2, तो इमेज हमारी कैसे बनेगी, 2f2 के बियॉन्ड बनेगी, बाद बनेगी 2f2 के, तो यहाँ पे बनेगी, तो कैसी होगी, इमेज इज एनलार्ज। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो कितना बड़ा है, तो जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी हमारी, बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2 बनेगी, और इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। केस आ गया हमारा फिफ्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस f1, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस f1 पर होगा। ये आपको सारे केस क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस f1, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ पे बनी थी, फोकस पे बनी थी। अब हमने क्या कर दिया, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब ये क्या है, उल्टा एक दूसरे का। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज इज इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली एनलार्ज, तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगी हमारी, इनफाइनाइटली क्या होगी, लार्ज होगी, और हाईली भी क्या होगा, एनलार्ज होगी। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, कि मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। केस सिक्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा है, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल सेम साइड पर बने, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर की साइड क्या बन रहा है हमारा, ये इमेज बन रही है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ये लिखा है इमेज की, इमेज कैसा होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है, बड़े साइज का बनेगा, और कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है, मतलब रियल और इन्वर्टेड नहीं है, क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, अब पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसमें सिर्फ दो ही केस होते हैं हमारे, ठीक है, जिस तरह से कॉनवेक्स मिरर में हमारे दो केस होते हैं, इसमें कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में दो केस है, ठीक है, ये उल्टा हो रहा है, वहाँ पे कॉनकेव मिरर में ज़्यादा केसेस थे, इसमें इधर कॉनवेक्स लेंस में ज़्यादा केसेस है, ठीक है। इसमें कॉनकेव में दो ही केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो कोई रे आएगी, ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी और सेम साइड पे बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी और हाईली क्या होगा, डिमिनिश होगा, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस f1, इमेज इज हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ओ ऑफ लेंथ, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, ठीक है। और इमेज इज डिमिनिश, इमेज क्या होगी हमारी, स्मॉल साइज की होगी,
इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, मतलब जैसे तरह से है ये, इस तरह से ये क्या आएगी, इसकी इमेज आएगी। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारा जब यहाँ पे रखा होगा तो कहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। सब केस हमने क्या कर लिए, पढ़ लिया है। यहाँ पे आप इसको बुक में से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये रूल्स है इसके, जो भी पढ़ाए थे रूल्स, ठीक है। सबसे पहले अब पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वंस यूज फॉर स्फेरिकल मिरर। तो जो साइन कन्वेंशन हमने मिरर के लिए पढ़े थे, वही साइन कन्वेंशन हमारे सेम है लेंसेज के लिए। वी अप्लाई द रूल फॉर साइन ऑफ डिस्टेंस एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, सारे रूल हमारे वही हो गए जो हमने मिरर में अप्लाई करे थे, बस मेजरमेंट कहाँ से लेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। वहाँ से वहाँ पे क्या ले रहे थे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, सॉरी वहाँ पे पोल से ले रहे थे हम, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस था कहाँ से ले रहे थे, पोल से ले रहे थे। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो जो हमने कन्वेंशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स लेंस की, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। और जो कॉनकेव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी हमारी, नेगेटिव। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइन फॉर द वैल्यू ऑफ यू वी एफ ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज ऑफ हाइट एच। तो आप उसके सारे साइन कन्वेंशन देख सकते हो, जो मिरर में मैंने पढ़ाया वहीं से आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ये एक्टिविटी भी यही है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, सॉरी कॉनकेव लेंस की, कि इन्फिनिटी पे होगा तो पोजिशन इमेज की क्या आएगी, फोकस कैसा साइज होगा, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।